समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा की जिला इकाई ने ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 26 दिसंबर 2020 से 27 मई 2021 तक नियुक्त किए गए प्रशासकों के कार्यकाल की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग उठाई है। सपा अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष नाजिम हुसैन एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने बृहस्पतिवार को मंडल आयुक्त एवं जिलाधिकारी को संयुक्त रूप से ज्ञापन पेश किया, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 26 दिसंबर 2020 से 27 मई 2021 तक प्रशासक नियुक्त किए गए थे। जनपद मुरादाबाद में प्रशासकों के कार्यकाल में करीब 38 लाख रुपए ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के नाम पर खर्च दिखाए गए हैं, जबकि समाचार पत्रों में लगातार इस आशय के समाचार प्रकाशित किए गए कि ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर खर्च की गई शासकीय धनराशि का दुरुपयोग हुआ है और इसके सापेक्ष विकास कार्य मौके पर नहीं कराए गए। प्रशासकों के कार्यकाल में ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की गड़बड़ी के तमाम समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद तत्कालीन डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह और उप जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के द्वारा जांच की गई और जानबूझकर प्रशासकों को क्लीन चिट दे दी गई। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि प्रशासकों द्वारा बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाने के नाम पर घोटाले किए गए हैं, जिसकी सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग सपा अधिवक्ता सभा की जिला इकाई द्वारा उठाई गई है। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए सपा अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष नाजिम हुसैन एडवोकेट ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, आज मुरादाबाद सपा अधिवक्ता सभा द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है 20 दिसंबर 2020 से और 25 मई 2020 तक जो प्रधानी के चुनाव हुए थे और उसमें जो प्रशासक नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा 38 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है और उसकी जांच हमने पीछे भी एक दो बार मांगे की है, लेकिन उन लोगों को किसी को भी क्लीन चिट दी गई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं सीबीआई से और एसआईटी से जांच कराई जाए, इसलिए हम आज मुरादाबाद से डीएम साहब से मिले और कमिश्नर साहब से मिले और अपनी बात रखी और हम चाहते हैं इन लोगों पर सबसे क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन ये दिया गया आपके द्वारा दिया गया ज्ञापन पे कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष सुनीता सिंह के अलावा जिला उपाध्यक्ष मुमताज हुसैन एडवोकेट, प्रदेश सचिव मोहम्मद नासिर हुसैन, आसिफ सैफी, मोहम्मद आरिफ, निजामुद्दीन, शाइस्ता, मंजू, इरम, हिना कौसर, नीतू पाल, नीतू, आकाश, प्रदीप कुमार, मोहम्मद आसिफ, नईम मोहम्मद, मुहतसिम, अजहर अब्बास, योगेंद्र, यासीन मलिक, मुस्तकीम सैफी, जाहिद अली एवं नन्ने खान सहित अनेक अधिवक्तागण मौजूद रहे।